गाइस, भुट्टा कौन पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 6 आलू लिए हैं और 2 हरी मिर्च जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और काला नमक, अमचूर पाउडर, अजवाइन, जीरा का पाउडर, आलू के साथ इसका अच्छे से हम डो बना लेंगे आलू का मसाले का। और इसके बाद इसे मैंने स्वीट कॉर्न ऐड करे, ये मीठे वाले कॉर्न है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो जो कच्चे कच्चे से दाने होते हैं ना वो भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद हमें आटा और आलू का मसाला बराबर लेना है, इससे पराठा फूटेगा नहीं। फिर हमें लोई को अच्छे से बेल लेंगे, बीच में से थोड़ा मोटा रखेंगे, साइड साइड से पतला। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मसाला। जिस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ उसी तरीके से आप भी कीजिए। बचा हुआ एक्स्ट्रा आटा हमें साइड में कर लेना है, नहीं तो हमें इसमें ही प्रेस करके इसको अच्छे से बेल लेंगे। अब हमें पराठे सेकने से पहले ध्यान रखना है कि तवा हमारा हीट हो, नहीं तो अगर कम हीट होगा तो पराठा चिपक जाएगा। तो फिर इसको अच्छे से सेक लेंगे हम लोग दोनों साइड से। यहाँ पर मैंने यूज़ किया रिफाइन ऑयल, आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। दोनों साइड हम लोग अच्छे से रिफाइन ऑयल लगा लेंगे इसके और अच्छे से सेकेंगे जब तक इसमें थोड़ा ये इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब हम लोग इसमें ऑयल लगाएंगे उसके बाद हमें गैस को मीडियम कर देना है, क्योंकि अगर गैस मीडियम रहेगी तब जाके हमारा अंदर से पराठा पक जाएगा बिल्कुल अच्छे से। बस अब ये हमारा पराठा ऑलमोस्ट रेडी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये पराठा कैसा लगा, स्वीट कॉर्न वाला। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।